ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सीए फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज अग्रिका। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का जो मार्केट चैप्टर है उसका हमने फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लिया, उसके आपको नोट्स दे दिए टेलीग्राम पे, और आज हम करने वाले हैं 100 एमसीक्यूज जो एंड ऑफ चैप्टर एमसीक्यूज हैं, जो काफ़ी टिपिकल भी हैं, आप लोग छोड़ के ना चले जाएं एग्जाम में। तो ये वो राइट मौका है जब हम फास्टेस्ट मोड में एमसीक्यू कवर करने वाले हैं सारे के सारे। ठीक है दोस्तों, अभी भी अगर आपने इससे पढ़ाई नहीं की है तो मैं पूरी आपसे ये कहूँगी कि इसी चैनल पे आप रिविजन्स सेक्शन पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, जहाँ पे आपको फास्ट ट्रैक इकोनॉमिक्स का मार्केट का रिविजन मिल जाएगा और नोट्स आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम चैनल सीए फाउंडेशन क्लासेस पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल करवा दी जाएंगे। आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए सभी लोग शुरू करते हैं साथ में हमारा ये सेशन। ऑल राइट, सो इन टेबल बिलो व्हाट विल बी द, बहुत ही सिंपल होंगे, उसको हम लोग स्किप कर देंगे। अभी हमें सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस को करना है, आई मीन 90-95% हम लोग कवर कर लेंगे। नाउ इन द टेबल गिवन बिलो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस। इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जब आपका डिमांड और सप्लाई मिलता है, मैच करता है। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई मैच कर रहा है दोस्तों 700 पे, तो यानी कि हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है दैट इज 4, राइट एवरीबडी। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, एज्यूम दैट वेन द प्राइस इज 20 द क्वांटिटी डिमांडेड इज 9, ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूँ, मैं बीच बीच में आपको पेपर के कुछ टिप्स बताऊंगी कि इंस्टीट्यूट ने कहा हुआ है कि आपका जो पेपर होता है उसमें आपको लिखना मना होता है। जनरली जब एमसीक्यू पेपर होता है तो बच्चा इंस्टीट्यूट के पेपर क्वेश्चन पेपर पे लिखना शुरू कर देता है, जो कि अनफेयर मीन्स में काउंट हो सकता है। तो मैं कहूँगी या तो एक हल्की सी एक पेंसिल और एक इरेजर रखना अपने पास, कि इनकेस कुछ लिखना भी है तो उस पर इरेज कर देना, वरना जनरली बहुत ही स्ट्रिक्ट एग्जामिनर होते हैं तो वो आपके हल्के से टिक टुक पे भी जो है खामियां निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया हुआ है। आइए नेक्स्ट बात कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं 20। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज इन आउटपुट फ्रॉम 9 to 10। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स, यानी कि अगर आपका टोटल रेवेन्यू 10वें यूनिट पे और टोटल रेवेन्यू 9th यूनिट पे क्या है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका MR होता है, मार्जिनल रेवेन्यू, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती कर सकते हैं कि अच्छा हम लोग जो है 9th से 10th यूनिट पे गए हैं, एडिशनल जो प्राइस मिला है मेरे को 19 है, 19 मार्जिनल रेवेन्यू होगा। बिल्कुल नहीं, मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा डिफरेंस होता है TR का। तो आप क्या करेंगे, TR 20 × 9, और बेसिकली जो नई क्वांटिटी है वो है 10 यूनिट्स, तो 10 × 19 − 20 × 9, तो जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी 10 रुपीज, ठीक है। तो याद रखना जो लेटेस्ट यूनिट्स हैं वो पहले होगा, तो न्यू यूनिट यानी कि 10th यूनिट का टोटल रेवेन्यू माइनस 9th यूनिट का टोटल रेवेन्यू। नेक्स्ट हम बात करें, सेम क्वेश्चन है, एज्यूम दैट व्हेन द प्राइस इज 20 द क्वांटिटी डिमांडेड इज 15 एंड व्हेन द प्राइस इज 18 द क्वांटिटी डिमांडेड इज 16। बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंक्रीज इन आउटपुट फ्रॉम 15 to 16। तो यहाँ पे यार नेगेटिव साइन का भी बहुत ध्यान देना है हम लोगों को, नेगेटिव साइन में भी आंसर आ सकता है। आपका जो टोटल क्वांटिटी है 15 यूनिट से 16 यूनिट्स हुआ है, तो आप अभी क्या लोगे बताओ, आप 16 × 18 करोगे माइनस आप 15 × 20 करोगे, इसका ऑपोजिट मत कर देना वरना आंसर गलत आएगा, तो आपका आंसर -12 आएगा। नाउ नेक्स्ट इज, सपोज अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग अ लेवल ऑफ आउटपुट सच दैट MR इज ग्रेटर देन MC। सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगी, लॉजिक बताऊंगी। MR इज ग्रेटर देन MC का मतलब क्या हो गया यार, सिंपल सी बात है, MR अगर ज्यादा है तुम एक एडिशनल आउटपुट क्रिएट कर रहे हो तो उससे एडिशनल रेवेन्यू जो तुमको मिल रहा है वो एडिशनल कॉस्ट से ज्यादा मिल रहा है, तो आप बताइए आपको क्या करना चाहिए। बोल रहा है कि व्हाट शुड द फर्म डू, द फर्म शुड डू नथिंग, बिल्कुल गलत। द फर्म शुड हायर लेस लेबर, बिल्कुल गलत। वाई, बिकॉज लेस लेबर करने की जरूरत क्या है, तुम्हारा एमसी तो ऑलरेडी कम है। द फर्म शुड इंक्रीज प्राइस, बिल्कुल नहीं। वाई, बिकॉज तुम्हारा MR तो ऑलरेडी हाई है। MR क्या होता है, प्राइस के बराबर ही तो होता है, मतलब MR प्राइस से ही तो आता है। एंड द फर्म शुड इंक्रीज आउटपुट, बिल्कुल सही जवाब। वाई, बिकॉज आपको एडिशनल कॉस्ट आपकी कम है एक को बनाने की, और उसको बेचने की कॉस्ट आपको MR ज्यादा है MC से, तो आप बनाते जाओ टिल योर MR इज इक्वल टू MC। फिफ्थ की बात कर रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय द चेंज इन आउटपुट। अब यार बच्चे खुद ही 1.5-1.7 पे कर लेते हैं, मैंने सोचा क्यों ना मैं ही तेज तेज बोलना शुरू कर दूं। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू व्हाट, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय, बिल्कुल नहीं। यहां पे हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, तो ये तो डिवीजन तो आता ही नहीं है। द चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, बिल्कुल नहीं। द चेंज इन P × Q ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट, बिल्कुल सही लग रहा है। P × Q क्या होता है, TR, और TR 1 यूनिट चेंज से, उसी को तो MR कहते हैं। एंड द प्राइस, बट ओनली इफ द फर्म इज प्राइस सर्चर। अब आपको लगेगा यार एक और बात होती थी, MR इज इक्वल टू प्राइस भी तो होता था, लेकिन बेटा MR इज इक्वल टू प्राइस कब होता था, परफेक्ट कंपटीशन में, और परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होती थी वो कौन होती थी, प्राइस टेकर की प्राइस मेकर, प्राइस टेकर होती थी। और यहां पे बोल रहा है प्राइस सर्चर, तो प्राइस सर्चर हमने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन प्राइस सर्चर का मतलब होता है प्राइस मेकर, ना कि प्राइस टेकर, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तो
सिर्फ और सिर्फ MR इज इक्वल टू प्राइस, सिर्फ और सिर्फ प्राइस टेकर में हो सकता है, प्राइस मेकर नहीं. और प्राइस सर्चर का मतलब प्राइस मेकर होता है. नाउ नेक्स्ट हम बात करें, सपोज दैट अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अर्निंग टोटल रेवेन्यू ऑफ 1 लाख एंड इनकरिंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट. क्या बात है, मजा आ गया. तो 1 लाख रुपए आपके रेवेन्यू है और बोल रहा है कि 75,000 रुपए आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. एक्सप्लिसिट कॉस्ट याद है, अकाउंटिंग कॉस्ट जो आपकी बुक में आता है. और टोटल रेवेन्यू माइनस आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट इज इक्वल टू अकाउंटिंग प्रॉफिट. अगर उसमें से इसमें से हम लोग और माइनस कर देते हैं अपना इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो आंसर क्या आता है, इसमें से इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी माइनस कर दोगे 30,000 का, तो जो आएगा वो आएगा इकोनॉमिक प्रॉफिट या फिर इकोनॉमिक लॉस. तो मुझे तो साफ साफ इकोनॉमिक लॉस लग रहा है. 1,00,000 - 75,000 25,000 रुपए अकाउंटिंग प्रॉफिट, 25,000 - 30,000 रुपए इम्प्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू -5,000 रुपए का लॉस. कौन सा लॉस? इकोनॉमिक लॉस. वी विल कंक्लूड दैट द फर्म इज इनकरिंग इकोनॉमिक लॉस. बिल्कुल सही बात है, हमको तो सही लग रहा है भाई. इम्प्लिसिट कॉस्ट 25,000 रुपए, इम्प्लिसिट कॉस्ट 30,000 रुपए, ये गलत. टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट 1,00,000 रुपए है. टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट भैया 30,000 रुपए है. इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता था दोस्तों, आप लोगों को मैंने नोट्स में बताया हुआ है. इकोनॉमिक कॉस्ट टोटल कॉस्ट होती है, राइट, इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट. तो वो भी जो है 1,05,000 रुपए है. एंड द इंडिविजुअल इज अर्निंग इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ 25,000. बिल्कुल नहीं, मुझे तो साफ साफ लॉस दिख रहा है. तो करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्योर कॉम्पिटिशन. प्योर कॉम्पिटिशन में लार्ज नंबर वाइज होते हैं, होमोजेनियस होता है, फ्रीडम ऑफ एंट्री होता है, एबसेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लगता ही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन. एसेंशियल कंडीशन नहीं है, हो भी तो चलेगा तो ये है, बाकी सब तो एसेंशियल कंडीशन है. व्हाट इज द शेप ऑफ द डिमांड कर्व फेस्ड बाय अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है और वहां पर डिमांड कर्व ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है कि भैया एक पर्टिकुलर प्राइस पे जितना चाहो तुम अपने कॉस्ट के हिसाब से, अपनी कॉस्ट के हिसाब से जितना चाहो एक इक्विलिब्रियम का प्राइस लेकर के एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फर्म कितनी भी डिमांड कर सकती है, केटर कर सकती है, कितनी भी क्वांटिटी सेल कर सकती है. इसलिए वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है, इसलिए आंसर है हॉरिजॉन्टल. व्हिच इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म टू बी मैक्सिमम. प्रॉफिट ऑफ द फर्म टू बी मैक्सिमम, MR इज इक्वल टू MC फर्स्ट कंडीशन होती थी, ठीक है. MR इज इक्वल टू MC आपकी फर्स्ट कंडीशन हुआ करती थी. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइस टेकर. प्राइस टेकर क्या नहीं होता है? प्राइस टेकर जैसे ही हमने बोला है हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन आ गया. तो आइए देखते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन की कौन सी चीज नहीं है. TR इज इक्वल टू P x Q, वो तो सबका होता है. AR इज इक्वल टू प्राइस परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जरूर होता है. क्यों, याद है मैंने आपको क्लास में बताया हुआ था, AR इज इक्वल टू प्राइस का मतलब है कि हर बार जितनी भी क्वांटिटी तुम सेल कर रहे हो वो सेम प्राइस पे सेल कर रहे हो. तो MR, AR, प्राइस सब इक्वल होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में. बच्चों ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि सेम यही क्वेश्चन आ जाए. लेकिन याद रखिएगा कि अगर एक मोनोपोली होता है उसको अपने सब्सिक्वेंट यूनिट्स को सेल करने के लिए, डिमांड को बढ़ाने के लिए प्राइस को घटाना पड़ता है, और उसके केस में AR प्राइस के इक्वल नहीं होता है. तो प्राइस टेकर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ही AR इज इक्वल टू प्राइस होता है. उसके बाद हम लोग बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइस टेकर. नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व ये नहीं है. नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व हो ही नहीं सकता है, हॉरिजॉन्टल होता है. MR इज इक्वल टू प्राइस ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है. नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स. कौन सा फॉल्स है? इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज. ये तो बिल्कुल सही है, अपनी खुद की कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट में आती है. अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट. अकाउंटिंग कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट ये भी तो सही लग रहा है. इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये सही है, ये सही है. इकोनॉमिक प्रॉफिट विल ऑलवेज बी लेस देन द अकाउंटिंग प्रॉफिट इफ रिसोर्सेज ओन एंड यूज बाय द फर्म्स. ये भी सही लग रहा है. अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू TR माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट ये गलत है. वाई? बिकॉज अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस अकाउंटिंग कॉस्ट. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं. विद अ गिवन सप्लाई कर्व अ डिक्रीज इन डिमांड कॉजेज. क्वेश्चन नंबर 12, विद अ गिवन सप्लाई कर्व अ डिक्रीज इन डिमांड. याद है ये भी हम लोगों ने कितने सारे इसके नोट्स में अपने प्रॉपर, अगर मैं आप लोगों को नोट्स दिखाऊं तो हम लोगों ने नोट्स में कितने ढेर सारे सप्लाई डिमांड कर्व इसमें नहीं किया हुआ था, इसके पहले वाले में था, राइट, वो मैंने आप लोगों को दिए हुए नोट्स. तो विद अ गिवन सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व अपना फिक्स है, बोल रहा है कि डिक्रीज हो गया. डिक्रीज का मतलब क्या होता है? इंक्रीज, और डिक्रीज का मतलब शिफ्ट होता है. ठीक है, तो डिक्रीज हो गया डिमांड कर्व में. आप लोग अपनी बुक लेकर के बैठे, हो सकता है आपको छोटा दिख रहा हो. तो अगर डिमांड में डिक्रीज हो जाता है तो क्या होगा बताओ? सिंपल सी बात है कि अगर आपका डिमांड कम हो गया तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो कम होगी ही होगी. ठीक है,
और डिक्रीज हो गया डिमांड का और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, तो इसका मतलब है प्राइस कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आपका प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों कम हो जाएगी। दोस्तों प्लीज़ जो मैंने आपको नोट्स दिए हुए उससे इन सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ें। नाउ नेक्स्ट, इट इज़ एज्यूम दैट इन इकोनॉमिक थ्योरी द डिसीजन मेकिंग विद द फर्म इज यूजली अंडरटेकन बाय मैनेजर बट नेवर द ओनर। अब बच्चों को लगेगा ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ऐसा करते हैं जय माता दी इसी पे टिक करके आ जाते हैं। अरे नलायकों, ये इकोनॉमिक थ्योरी होती है कि यार जो ओनरशिप है वो मैनेजमेंट से अलग है, ये इकोनॉमिक थ्योरी है, ये अकाउंटिंग, ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट था, ये इकोनॉमिक थ्योरी नहीं है नलायकों। नाउ नेक्स्ट, द अल्टीमेट गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, बिल्कुल सही, रिगार्डलेस ऑफ द फर्म साइज, टाइप ऑफ बिजनेस, जो भी बिजनेस कर रहा है, छोटा बड़ा, टाइकून है या फिर धंधा कर रहा है बगल में, सबका काम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, भले वो मुंह पे बोले कि हमारा काम तो सबका विकास सबका साथ है। तो ये सही लग रहा है इकोनॉमिक थ्योरी के साथ, बिकॉज इकोनॉमिक्स का मतलब पैसा होता है। एज द फर्म साइज इंक्रीज इट्स गोल इंक्रीज, बिल्कुल गलत जवाब, ऐसे थोड़ी होता है। बेसिक डिसीजन मेकिंग यूनिट ऑफ एनी फर्म इज ओनर, बिल्कुल गलत, मैनेजमेंट होती है। तो देखो ये सही लग रहा है लेकिन ये इकोनॉमिक थ्योरी नहीं है, आंसर इज बी। नाउ एज्यूम दैट द कंज्यूमर्स इनकम एंड द नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट फॉर गुड ए बोथ डिक्रीज। अच्छा, कंज्यूमर की इनकम कम हो रही है तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी और नंबर ऑफ सेलर भी कम हो रहे हैं, एक बार दोस्तों क्वांटिटी सप्लाइड भी सेल हो जाए कम हो जाएगी। बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन कंक्लूड दैट व्हाट। अब देखो एक बात तो पक्की है कि क्वांटिटी तो कम होगी होगी, कंज्यूमर इनकम कम हो रही है, नंबर ऑफ सेलर कम हो रहा है, तो क्वांटिटी तो ओवरऑल कम होगी। बोल ही नहीं रहा है क्वेश्चन में कि क्वांटिटी डिमांडेड या फिर क्वांटिटी सप्लाइड। अच्छा, अब यहां पे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि प्राइस का क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो प्राइस विल इंक्रीज और प्राइस विल डिक्रीज। देखो यहाँ पे एक साथ अगर दिया होता तो हम लोग दिमाग लगाते, क्योंकि अभी आगे वाले क्वेश्चंस में आएगा, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आएगा इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी दोनों की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे प्राइस पे दिमाग लगाना ही नहीं है। वाई? बिकॉज आई एम श्योर कि क्वांटिटी विल डिक्रीज फॉर श्योर। 15 की बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया है, प्लीज सी द नोट्स ऑफ दैट यूनिट। इफ द सप्लाई इंक्रीजेज इन ग्रेटर प्रोपोर्शन, याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि कभी कभी सिर्फ सप्लाई इंक्रीज हो रही है, डिमांड फिक्स है, कभी कभी डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई फिक्स है, कभी कभी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं, कभी कभी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है सप्लाई इंक्रीजेज इज ग्रेटर प्रपोर्शन, इफ सप्लाई इंक्रीजेज, देखो दोस्तों अगर सप्लाई इंक्रीज होगा इन प्रपोर्शन ग्रेटर देन डिमांड तो इक्विलिब्रियम हिल जाएगा और सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड का मतलब प्राइस तुरंत ड्रॉप जाएगा। दोस्तों अगर प्राइस ड्रॉप होगा तो क्या डिमांड उतनी ही तेजी से बढ़ेगा, बताइए क्या डिमांड उतनी ही तेजी से बढ़ेगा? सिंपल सी बात है, सप्लाई जब इंक्रीज होगी, क्या बोल रही थी मैं, आई एम सो सॉरी, मैं ये बोलने की कोशिश कर रही थी कि अगर आपका सप्लाई जो है वो इंक्रीज होता है और प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड, हम लोग ये बोल रहे हैं कि यार डिमांड जो है वो कम हो रही है, ठीक है, क्योंकि डिमांड जो है, मेरी बात ध्यान सुनो, सप्लाई इंक्रीजेस इन ग्रेटर प्रोपोर्शन देन डिमांड, यानी कि डिमांड छोटी रह गई, लेकिन एक बार बताओ कि सप्लाई के इंक्रीज होने पे डिमांड से प्राइस जो है वो घट जाएगा और जब प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है, समझ में आ गया? तो कहने का मतलब है कि प्राइस घटेगा और डिमांड जो है बढ़ेगी, तो ये कहाँ पे कॉम्बिनेशन है आप उसको देख लीजिएगा। देखो पहले बात तो ऐसे क्वेश्चंस में ये देखा करो कि क्या क्वेश्चन सेम बातों के बारे में पूछ रहा है, तो अगर आप ए बी सी डी को फटाफट से देखेंगे तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी की बात कर रहा है, सही है। नाउ हम सबको पता है कि सप्लाई इंक्रीज होता है ग्रेटर प्रोपोर्शन में तो प्राइस तो घटने वाला है, फटाफट से प्राइस देखो, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल बी ग्रेटर, बिल्कुल नहीं, इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी ग्रेटर, बिल्कुल नहीं, इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी लोअर, ये हो सकता है, इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी लोअर, ये भी हो सकता है। अब इन दोनों को एलिमिनेट कर दो, इनको देखते हैं। अब बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल बी लोअर दैन द ओरिजिनल, हो ही नहीं सकता, आपका डिमांड तो सेम जगह पे, डिमांड हल्का सा उठ करके ही आएगा। वाई? बिकॉज आपका प्राइस कम हो रहा है। द इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी लोअर देन द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम एंड द न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल बी हायर, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट हम बात करें, एज्यूम दैट इन द मार्केट फॉर गुड जेड देर इज साइमल्टेनियस इंक्रीज इन द डिमांड एंड द क्वांटिटी सप्लाइड, क्या बात है, एक साथ इंक्रीज हो रहा है, साइमल्टेनियस इंक्रीज हो रहा है, तो इससे क्या होगा, याद करिए हम लोगों ने इसमें तीन केसेस पढ़े हुए थे कि साइमल्टेनियस हो तो रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों घट रहे हैं, लेकिन किस में ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप जाइए वहाँ पे और उसको सर्च करिए, मतलब नोट्स मैंने क्लास में तो दे ही दिया था आप लोगों को, याद है मार्केट में ही मैंने आपको नोट्स दिया था। ओके, सो इसकी आपका होमवर्क है, एक क्वेश्चन कम से कम आप खुद से करिए, खुद से फिगर आउट करने की कोशिश करिए, आपको इसका आंसर तो दिया ही हुआ है, राइट? तो प्लीज़ 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 इन सभी केसेस को जो मैंने आपको बना करके दिए हैं उसको एकदम घोट के पी जाइए। 17 की बात करें, सपोज द टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग पर्सनल कंप्यूटर इंप्रूव्स, अच्छा, एंड एट द सेम टाइम इंडिविजुअल डिस्कवर न्यू यूजेस, तो बेटा इंडिविजुअल डिस्कवर न्यू यूजेस से क्या होता है,
मतलब कि नई, देखो इससे क्या पता चल रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज हुई. जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो सप्लाई क्या होती है, इंप्रूव होती है, सप्लाई भी बढ़ती है. और यहाँ पर डिस्कवरी हो गई नए यूजर्स की, तो जब डिस्कवरी नए यूजर्स की भी हो जाती है तो डिमांड क्या होती है, डिमांड भी बढ़ती है. सो दैट देर इज ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन टू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. तो एक बात तो पक्का पता है मेरे को कि जो क्वांटिटी है, डिमांड है, वो तो बढ़ने ही वाली है. वाई? बिकॉज द न्यू यूजर्स हैव इंक्रीज्ड. तो देख लो कहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज कर दिया है. क्वांटिटी कैनॉट बी डिटरमाइंड, हो ही नहीं सकता. क्वांटिटी कैनॉट बी डिटरमाइंड, हो ही नहीं सकता. क्वांटिटी विल इंक्रीज, टिक. क्वांटिटी विल डिक्रीज, हो नहीं सकता. एलिमिनेशन मेथड 17 का सीज द आंसर. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. सबको पता हुआ है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का कौन सा नहीं है, याद रखिएगा, नहीं है. गलती मत करके आना जल्दी जल्दी में, राइट. सबको पता है कि 0.25 माइनस होता है नेगेटिव. लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होता है भैया, तो ये तो सही कंडीशन है, बोल रहा है नॉट अ कंडीशन. परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, ये भी सही है. इन्फॉर्मेटिव एडवर्टीजिंग टू इंश्योर दैट कंज्यूमर्स हैव गुड इन्फॉर्मेशन. भैया कोई इन्फॉर्मेशन एडवर्टीजिंग करने की जरूरत नहीं होती है. यहाँ पे सबको अपने बारे में सब पता होता है. आलू की मंडी में कभी गए हो, आयरन की मंडी में कभी एडवर्टीजमेंट देखा है? बिल्कुल नहीं. तो ये कंडीशन नहीं है. नेक्स्ट बोल रहा है फिर भी हम लोग डी को देखेंगे. वाई? बिकॉज अगर दो सही लग रहे हैं दोस्तों, याद रखेगा, दो सही लग रहे हैं तो उसमें जो नेक्स्ट वाला है वो जो मोस्ट करेक्ट है उसको टिक करके आएंगे. फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इन टू एंड आउट ऑफ द मार्केट, ये भी होता है, ये भी होता है. बोल रहा है नॉट अ कंडीशन, तो सी कंडीशन नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव. अगेन बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, बिल्कुल सही. आउटपुट ऑफ द फर्म्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, बिल्कुल सही. फर्म फेस डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिल्कुल नहीं. फर्म फेस्ड हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व. सबको पता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हॉरिजॉन्टल होता है, ना कि डाउनवर्ड स्लोपिंग. डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब होता है कि अपनी बाकी क्वांटिटीज, आपको आगे की क्वांटिटीज सेल करने के लिए आपको अपने प्राइस डिक्रीज करना पड़ा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में. नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. मोनोपोलिस्टिक आ गया भाई साहब. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक. आप सबको याद होगा मोनोपोलिस्टिक क्या है. तो मोनोपोलिस्टिक में दोस्तों मोनोपोलिस्टिक क्या ईज होती है एंट्री, सोचने दो. कभी कभी फर्स्ट कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ जाना चाहिए. यानी कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है क्या मोनोपोलिस्टिक में? यस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. देखो यहाँ पे मैंने ना आप लोगों के लिए एक चीज़ लिखी हुई है, प्लीज़ देखना इसको. 100 क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत तबियत से करने हैं हम लोगों को. देखो याद करो, मैंने आप लोगों को बताया था कि मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है कि यहाँ पे सेलर्स बहुत होते हैं. हाँ, परफेक्ट कंपटीशन से कंपैरेटिवली कम होते हैं. यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो आइडेंटिकल नहीं होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होता है. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने साबुन का एग्जाम्पल देखा था क्लास में. साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, कभी साबुन ब्यूटी का होता है, कभी डेटॉल वाला होता है, कभी जो है एंटी रिंकल होता है, कभी फेयर एंड लवली होता है, पता नहीं कौन कौन सा साबुन आता है. तो कहने का मतलब यहाँ पे सेलर्स तो हैं काफ़ी, और यहाँ पे ये लोग अपने प्राइस, देखो अगर तुमने ये याद कर लिया ना सिर्फ, तो तुमको मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोलिस्टिक कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी. तो मोनोपोलिस्टिक में सेलर्स काफ़ी होते हैं लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन के कंपेरिजन में कम होते हैं. यहाँ पर प्रोडक्ट जो होता है वो आइडेंटिकल नहीं होता है. यहाँ पे काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं. कहने का मतलब है कि आपने सोप में कोई डिफरेंसेस डाल दिया, आपने अपने टूथपेस्ट में चारकोल वाला टूथपेस्ट कर दिया, और मतलब एंटी कैविटी टूथपेस्ट कर दिया, क्लोजअप कर दिया, पास आओ वाला वो सब कर दिया. लेकिन यहाँ पे जो हर एक बंदा होता है वो दूसरे के प्राइजेस से उसको मतलब नहीं होता है. वाई? बिकॉज उसको पता है कि दूसरा का शेयर अपना खुद का शेयर है. डिटॉल वाले का शेयर खुद का शेयर है, ठीक है. अच्छा, ओलिगोपोलिस्टिक की बात करें तो ओलिगोपोलिस्टिक क्या है? थ्योरी ऑफ फर्म बिहेवियर, फर्म ग्रुप बिहेवियर. यहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं, हर एक का अपना लार्ज शेयर होता है और फेयरली सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है. तो ये याद रहेगा आपको. आइए वापस चलते हैं अपने 20th क्वेश्चन नंबर पे. तो यहाँ पे बोल रहा है, आप लोगों के चक्कर में मुझे तेज़ तेज़ बोलने की आदत हो गई है. विच ऑफ़ द फॉलोइंग, अगर आप लोग इसको भी स्पीड में करके सुन रहे हैं तो ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है. विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. मोनोपोलिस्टिक का कैरेक्टरिस्टिक कौन नहीं है? अच्छा, हम लोगों ने मोनोपोलिस्टिक पढ़ लिया. ईज़ ऑफ एंट्री इन टू द फर्म, दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ईज़ ऑफ एंट्री यहाँ पर नहीं होती है, वरना मोनोपोलिस्टिक में परफेक्ट कंपटीशन क्यों नहीं था? मोनोपोलिस्टिक में परफेक्ट कंपटीशन जैसे लोग क्यों नहीं थे, ठीक है. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे होता है. एक मिनट, रुके रहो. आई थिंक मुझे थोड़ा सा वक्त दो. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करें, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे होता है. होमोजेनस प्रोडक्ट जो होते हैं एक जैसे प्रोडक्ट नहीं होते हैं. आई थिंक ये दिस इज द करेक्ट आंसर. आप लोग देख लीजिएगा 20th का करेक्ट आंसर क्या है.
डी सही है, मेरा आंसर सही है, मेरा आंसर सही है. बंटी मेरा साबुन स्लो है क्या? ठीक है मेरा साबुन क्या बोल रही हूँ मैं. तो होमोजेनियस प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं यार, खुद ही सोचो ना, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और होमोजेनियस प्रोडक्ट दोनों कैसे सही हो सकता है, एक तो गलत हो गई ना, तो कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होता है. अच्छा रही बात ईज ऑफ एंट्री की और रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स की, देखो कहने का मतलब है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के कंपेरिजन में यहाँ पे कम होते हैं, लेकिन रिलेटिवली लार्ज का मतलब होता है कि ये नहीं कि मतलब एकदम ही कम होते हैं. ओलिगोपोली के कंपेरिजन से और मोनोपोली के कंपेरिजन से यहाँ पे रिलेटिवली लार्ज सेलर्स होते हैं और परफेक्ट कॉम्पिटिशन सबसे ज्यादा होते हैं. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि परफेक्ट सबसे नंबर ऑफ सेलर्स, नंबर ऑफ जो सेलर्स हैं वो सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में, उसके बाद आपके होते हैं मोनोपोलिस्टिक में, उसके बाद आपके होते हैं ओलिगोपोली में, और उसके बाद आपका होता है मोनोपोली में सिंगल. ठीक है ओलिगोपोली में आपका कार्टल भी होता है, और ओलिगोपोली आपको पता है कि ओलिगोपोली में मिल करके भी मोनोपोली बना देते हैं. फिर उसके बाद ये हो गया, फिर मोनोपोली. हाँ तो और ईज ऑफ एंट्री इन द इंडस्ट्री की करें, ईज ऑफ एंट्री सबसे ज़्यादा ईजी किस में होती है, सबसे पहले परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होती है, और कंपैरेटिवली मोनोपोलिस्टिक में भी थोड़ा बहुत होता है. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अभी सब टाइप का साबुन है, मैं एक नया साबुन लेकर के आ गई जिस साबुन की खासियत यह है कि उस साबुन से सब कुछ हो सकता है, उस साबुन से आप हाँ भी सकते हैं, उस साबुन से जो है आप अपना सर भी साफ कर सकते हैं, बाल भी साफ कर सकते हैं, आपके बाल भी, केश भी आपके मुलायम हो जाएंगे. तो मैं एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लेकर के आ गई, तो क्या मेरा एंट्री इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉसिबल हो जाएगा? नहीं. तो यहाँ पे भी रिलेटिवली ईज ऑफ एंट्री है. तो करेक्ट आंसर इसकी होमोजेनियस प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं. वाई? बिकॉज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है. नेक्स्ट हम बात करें मोनोपोली में अराइज. भैया सब कुछ सही चल रहा है ना? ओके अरे गजब, देखो 20 मिनट में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए. मोनोपोली में अराइज इन अ प्रोडक्ट बिकॉज, मोनोपोली क्यों होती है एक प्रोडक्ट में, एक प्रोडक्ट में मोनोपोली क्यों होती है, आइए देखते हैं. अ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन इज ओन्ड बाय सिंगल फर्म. सिंपल सी बात है, जो इनपुट्स हैं वो बहुत ही पकड़ के रखा गया है, सिंगल फर्म के पास है. गवर्नमेंट हैज गिवन द फर्म पेटेंट, ये भी हो सकता है. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल मेक्स प्रोडक्शन बाय सिंगल प्रोड्यूसर वेरी एफिशिएंट. मतलब एक सिंगल प्रोड्यूसर काम करे वो ही अच्छा है, क्योंकि अभी तुम रेलवे की बात करें, रेलवे में आपका गवर्नमेंट का मोनोपोली है. अभी मैं कहूं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे को रेलवे ट्रेन बनानी है, तो ये एफिशिएंट होगा क्या? देश के लिए एफिशिएंट होगा? नहीं, बहुत पैसे बर्बाद होंगे. तो मोनोपोली इन सभी वजह से अराइज होती है. नाउ ओलिगोपोली की बात करें, मैंने आपको ओलिगोपोली का एग्जांपल दिया. ओलिगोपोली इंडस्ट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? वहां पे कुछ फर्म्स होती हैं लेकिन बड़ी फर्म्स होती हैं डोमिनेंट, सबका मार्केट शेयर ज्यादा होता है. तो ये सही है. अ फ्यू लार्ज फर्म्स एंड नो एंट्री बैरियर्स. फिर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स, बिल्कुल नहीं. स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स ये नहीं होगा. स्मॉल नंबर ऑफ फ्यू डोमिनेंट लार्ज फर्म्स एंड सब्सटैंशियल बैरियर टू एंट्री. मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि सबसे ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे अच्छी खासी बैरियर होती है और यहाँ पे तो बहुत खतरनाक बैरियर होता है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स एंड बैरियर की अगर हम लोग बात करें तो बैरियर सबसे कम. देखो नंबर ऑफ सेलर्स हम लोग पता है क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेलर जो है ये जो बैरियर है ये सबसे ज़्यादा बैरियर किस में होता है, सबसे ज़्यादा बैरियर होता है मोनोपोली में, उसके बाद रिलेटिवली सब्सटैंशियल होता है ओलिगोपोली में, उसके बाद मोनोपोलिस्टिक में, और उसके बाद आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन में. नेक्स्ट हम लोग बात करें प्राइस टेकिंग फर्म्स. ठीक है तो इसका आंसर क्या है मैम? इसका आंसर है कि ओलिगोपोलिस्टिक में फ्यू लेकिन डोमिनेंट मार्केट फर्म्स हैं और सब्सटैंशियल अच्छा खासा बैरियर टू एंट्री है. नेक्स्ट हम बात करें प्राइस टेकिंग फर्म्स, दैट इज द फर्म्स दैट ऑपरेट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन आर सेट टू बी स्मॉल रिलेटिव टू मार्केट विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस स्मॉलनेस. जो प्राइस टेकिंग फर्म्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा छोटी होती हैं, हम सबको पता है कि जो प्राइस टेकिंग परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होती है तो बहुत ही कम होती है. तो नीचे कौन सी चीज़ है जो इसके छोटेपन को, तुच्छपन को डिस्क्राइब कर रही है? इंडिविजुअल फर्म मस्ट हैव फ्यू देन 10 एम्प्लॉइज. ऐसे तो कहीं नहीं पढ़ा है हम लोगों ने. इंडिविजुअल फर्म फेसेस डाउनवर्ड स्लोपिंग का, ऐसा भी नहीं पढ़ा है, कभी हो ही नहीं सकता, हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है. इंडिविजुअल फर्म हैज एसेट ऑफ लेस देन 20 लाख, ऐसा भी कहीं नहीं पढ़ा है भाई, इसको तो लॉ बना दिया इसने. इंडिविजुअल फर्म इज अनएबल टू इफेक्ट द मार्केट प्राइस. बिल्कुल सही जवाब. तुम इतने छोटे हो, इतने तुच्छ हो तुम कि तुम कभी भी मार्केट प्राइस को इंपैक्ट नहीं कर सकते. तुम बढ़ाने की कोशिश करोगे, लोग तुमको बाहर निकाल देंगे. 24th की बात कर रहे हैं, फॉर अ प्राइस टेकिंग फर्म, फॉर अ प्राइस टेकिंग फर्म, प्राइस टेकिंग का मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन, MR इज लेस देन प्राइस. नहीं, हम सबको पता है कि प्राइस टेकिंग फर्म में MR इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू AR होता है, तो इज इक्वल टू प्राइस बात खत्म हो गई. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन डिफर्स फ्रॉम परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइमरली बिकॉज, जो मोनोपोलिस्टिक होता है वो परफेक्ट से क्यों डिपेंड करता है यार? हम लोगों ने कितनी बार पढ़ लिया, आइए देखते हैं. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन फर्म्स कैन डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स. मोनोपोलिस्टिक में आपका जो फर्म है डिफरेंशिएट परफेक्ट
ये तो मुझे सही लग रहा है. इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म्स कैन डिफरेंशिएट, बिल्कुल नहीं. इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंट्री इनटू द इंडस्ट्री इज ब्लॉक्ड, नहीं. अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ऐसा नहीं होता. हाँ, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बिल्कुल एंट्री नहीं होती है, मोनोपोलिस्टिक में होती है लेकिन फिर भी नहीं होती है. एंड इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देर आर रिलेटिवली फ्यू बैरियर्स टू एंट्री, मोनोपोलिस्टिक देर आर. अच्छा, एक बात बताओ, ये आप लोगों को मैम ये भी तो सही है बेटा, यहाँ पर रिलेशन किसका बोल रहा है, मोनोपोली का और परफेक्ट कॉम्पिटिशन का रिलेशन बोल रहा है. तो बोल रहा है कि इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देर आर रिलेटिव बैरियर, फ्यू बैरियर्स टू एंट्री. कहने का मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन के कंपैरिजन में मोनोपोलिस्टिक के पास कम बैरियर होते हैं? बिल्कुल नहीं भैया, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के कंपैरिजन में तो ज्यादा होते हैं मोनोपोलिस्टिक में बैरियर. तो यहां पे सही आंसर क्या होगा, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म्स, इन मोनोपोलिस्टिक फर्म्स कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स. नाउ द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आउटकम्स इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन आर सिमिलर बिकॉज इन बोथ मार्केट स्ट्रक्चर. अच्छा, याद है हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था कि बेटा जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, उसमें कभी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो सकता. व्हाई? बिकॉज व्हाई 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 व्हाई, ऐसा क्यों है मैम? मोनोपोली में ऐसा क्यों नहीं है, मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऐसा क्यों है कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं हो सकते? देखो क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आउटकम्स इन मोनोपोलिस्टिक एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन आर सिमिलर. व्हाई? बिकॉज इन बोथ मार्केट स्ट्रक्चर. ऐसा क्या है कि दोनों का जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है वो सेम है? क्योंकि दोनों में ही नए फर्म्स के आने के चांस होते हैं जो कि मोनोपोली में नहीं होते हैं, ठीक है? और इस वजह से दोनों में ही चांसेस होते हैं आने के, इस वजह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वाइप ऑफ हो जाता है और सिर्फ ये लोग लॉन्ग रन में एक नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं. नाउ द एफिशिएंट आउटपुट लेवल विल बी प्रोड्यूस्ड इन द लॉन्ग रन. ये तो सब में ही होता है यार, ऐसे कोई बड़ी बात थोड़ी ना है. फर्म्स विल बी प्रोड्यूसिंग एट मिनिमम एवरेज कॉस्ट, सबको ही पता है. फिर फर्म्स विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, ये सही है. तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आउटकम इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन आर सिमिलर. वो क्या सिमिलर होता है? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ये बोलता है कि भैया सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट तुम अर्न कर सकते हो, इसलिए ज़्यादा इधर उधर भागो मत. तो बच्चों मैं कहूँगी कि इसको आप लोग हॉट्स में मार्क कर लीजिए, ठीक है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली. ओलिगोपोली अभी हम लोगों ने नीचे देखा था कि ओलिगोपोली विद थ्योरी ऑफ फर्म बिहेवियर होता है, फर्म्स कम होती हैं विद डोमिनेंट साइज, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होता है इनका गोल ऑफ. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फेस्ड बाय द फर्म्स, द इंटरडिपेंडेंस. ये बिल्कुल परफेक्ट है, पता है ना सबको, थ्योरी ऑफ ग्रुप बिहेवियर इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओलिगोपोली, इंटरडिपेंडेंस अमंग द फर्म्स. नेक्स्ट हम लोग बात करें इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट, अगर आपको मन हो तो बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हो. स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स, ये कुछ खास बात लगी नहीं. गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, दुनिया में सबका है, मेरा आपका सबका है. इंटरडिपेंडेंस बिल्कुल परफेक्ट डिफाइन करता है ओलिगोपोली को. एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फेस्ड बाय द फर्म्स, वेल ओलिगोपोली की तो बात रहे नहीं, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग वाई? बिकॉज इसमें हम लोगों ने देखा था कि सबका अपना अपना शेयर होता है और ये बहुत ही ज़्यादा उसको देखती हैं, फर्म्स को देखा देखी अपने प्राइसेस को चेंज करती हैं. नाउ इन विच फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज द डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस बाय द फर्म वेरी लार्ज, वेरी लार्ज. देखो सब बता दिया है, परफेक्ट बिल्कुल नहीं, ओलिगोपोली में होता है. इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट मतलब क्या होता है यार? इम्परफेक्ट में तो सब आ जाएगा आपका, जो परफेक्ट में नहीं आएगा. तो करेक्ट आंसर इज मोनोपोली. नेक्स्ट हम बात करें, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड AR इज इक्वल टू डिमांड कर्व. राइट आंसर इज दिस, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर डज अ फर्म हैव नो कंट्रोल ओवर द प्राइस. नो कंट्रोल ओवर द प्राइस, परफेक्ट कॉम्पिटिशन. राइट, डिस्क्रिमिनेटिंग, याद है हम लोगों ने कितने टाइप की मोनोपोली पढ़ी थी? डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इंप्लाइज दैट द मोनोपोलिस्ट चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फॉर हिज कमोडिटी. वेयर? अलग अलग, याद है, फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स. बिल्कुल सही, अब तुरंत लिख करके मत जाना. वाई? बिकॉज यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है, जिसमें ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है भैया उसमें सब पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए. तो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि तीन टाइप की, तीन लेवल की डिस्क्रिमिनेटिंग होती है मोनोपोली. वो आपके प्राइजेस के ऊपर, आपके यूजर्स के ऊपर, आपकी जगह के ऊपर, किसी भी हिसाब से आपसे जो है डिफरेंट प्राइजेस चार्ज कर सकते हैं. हम लोगों ने तीन लेवल पढ़े हुए थे, क्लास के हिसाब से, बल्क रिटेल के हिसाब से, और आपकी इनकम के हिसाब से, उसको भी हम लोग देखेंगे. तो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इंप्लाइज दैट मोनोपोलिस्ट चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फॉर हिज कमोडिटी फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर एट डिफरेंट प्लेसेस फॉर डिफरेंट यूजर्स, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट 32 की बात कर रहे हैं.
हम लोग पहुंच चुके हैं, जल्दी हम लोग आगे आ चुके हैं आईडी. तो नाउ फिर उसके बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी प्रॉफिटेबल ओनली इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिफरेंट सब मार्केट इज. याद है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि एक जहां पे इलास्टिसिटी अलग है, दूसरी इलास्टिसिटी अलग है, एक से उठा करके दूसरे में बेच देता है. तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी प्रॉफिटेबल ओनली इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट सब मार्केट्स इज यूनिफॉर्म. बिल्कुल नहीं लेस, बिल्कुल नहीं डिफरेंट, यस जीरो बिल्कुल नहीं. नाउ इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओलिगोपोली द किंक्ड डिमांड हाइपोथेसिस इज डिजाइंड टू एक्सप्लेन. ये मुझे खुद ही नहीं समझ में आया, आप लोग इसको लर्न कर लेना. तो एक या दो क्वेश्चन है जो मैं कहूंगी कि यार रट लो. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओलिगोपोली जो किंक क्या था, याद है किंक था, हम लोगों ने दो इलास्टिसिटी पढ़ी थी, फिर किंक था. द किंक किंक किस वजह से आया था, किंक एक्चुअली प्राइस की वजह से ही आया था. तो शायद इसीलिए बोल रहा है प्राइस रिलेटेड. याद है हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि एक पर्टिकुलर जो किंक होता है उसमें जो दो फेजेस बढ़ गए, तो एक में जो होगा वो आपसे एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करेगा, एक में कम प्राइस चार्ज करेगा. तो वो शायद प्राइस रिजिडिटी इसलिए बोल रहा है. नाउ द फर्म इन अ परफेक्टली व्हाई, बिकॉज दोनों ही सब मार्केट्स में ना प्राइस रिजिड है. नाउ द फर्म इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट इज अ प्राइस टेकर. द फर्म इन अ परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट इज अ प्राइस टेकर. द डेजिग्नेशन एज प्राइस टेकर इज बेस्ड ऑन विच अजम्पशन. भाई तुमको चुपचाप मुंह बंद करके प्राइस को लेना होता है, तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तुम्हारी इतनी लेवल नहीं होती है. द फर्म हैज सम बट नॉट कंप्लीट कंट्रोल प्रोडक्ट. बेटा एक को बूंद तुम्हारा प्रोडक्ट प्राइस पे कंट्रोल नहीं है, तो सम क्यों बोल रहे हो. ठीक है, देर आर सो मेनी बायर्स एंड सेलर्स दैट इंडिविजुअल फर्म कैनॉट इफेक्ट द मार्केट. बिल्कुल सही. द ईच फर्म प्रोड्यूसेस होमोजेनियस प्रोडक्ट. बिल्कुल सही. देर इज ईजी एंट्री. बिल्कुल सही. लेकिन बोल रहा है कि प्राइस टेकर क्यों होता है, तो प्राइस टेकर इस वजह से थोड़ी ना होता है, इस वजह से थोड़ी ना होता है, इस वजह से होता है. ठीक है, तो देखने में सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन ये सही आंसर है. सपोज दैट द डिमांड कर्व फॉर द एक्स वाई जेड स्लोप्स डाउनवर्ड एंड टू द राइट, वी कैन कंक्लूड. तो बेटा ये क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, हो ही नहीं सकता उसमें, ऐसे होता है. द फर्म कैन सेल ऑल दैट इट वॉन्ट्स एट एस्टैब्लिश्ड मार्केट प्राइस. बेटा इसका मतलब ही है कि ज्यादा सेल करना है तो प्राइस को गिराना पड़ेगा, तो ये भी नहीं. द एक्स वाई जेड कंपनी इज नॉट अ प्राइस टेकर इन द मार्केट बिकॉज इट मस्ट लोअर इट्स प्राइस टू सेल एडिशनल यूनिट. ये सही लग रहा है. द एक्स वाई जेड कंपनी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बिकॉज प्राइस एंड रेवेन्यू आर सब्जेक्ट टू चेंज. ये कौन सी बकवास की बात है, ये सही है. बोल रहा है कि भैया डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है कि अपने प्राइस को लोअर करना पड़ेगा अगर तुमको एडिशनल यूनिट सेल करनी है. नेक्स्ट हम लोग बात करें, इफ फर्म इज इन द टूथपेस्ट इंडस्ट्री एंड दैट हैव फॉलोइंग मार्केट शेयर, विच मार्केट स्ट्रक्चर. इसको देख के तुमको कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर लग रहा है, मेरे को तो साफ लग रहा है ओलिगोपोली. वाई, बिकॉज फ्यू फर्म्स हैं, बहुत सारी फर्म्स होती तो पता नहीं कितना दिया रहता, बहुत कम फर्म्स हैं, लिमिटेड फर्म्स हैं. देखो लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर का मतलब होता है कि तुम अगर एक मार्केट में चले जाओ, वहां पे लोहे मंडी में कितने होंगे वहां नहीं गिन पाओगे, तो पेपर पे क्या आएगा. तो ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो बिल्कुल नहीं है. और यहां पे अगर आप ध्यान दें तो सबका शेयर अच्छा खासा हाई है, तो स्मॉल नंबर ऑफ डोमिनेटिंग फर्म का मतलब होता है ओलिगोपोली. नाउ द किंग डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली एज्यूम्स दैट. जो किंग डिमांड कर्व था वो क्या एज्यूम करता है, याद इलास्टिसिटी की बात हुई थी, तो द रिस्पॉन्स टू प्राइस इंक्रीज इज लेस देन द रिस्पॉन्स टू प्राइस डिक्रीज. द रिस्पॉन्स, अगर कभी कुछ क्वेश्चंस ना समझ में आए तो एक बार सारे देख लिया करो. द रिस्पॉन्स टू प्राइस इंक्रीज इज मोर देन द रिस्पॉन्स टू प्राइस डिक्रीज. याद करो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि ओलिगोपोली में क्या है कि जब भी आप अगर अपना प्राइस बढ़ा देते हैं, याद रखिएगा ठीक है, आप अपना प्राइस अगर बढ़ा देते हैं तो बाकी लोग नहीं आपको कॉपी करेंगे, लेकिन अगर आप अपना प्राइस घटा देते हैं तो बाकी लोग आपको कॉपी कर लेंगे. तो यहाँ पे बोल रहा है द रिस्पॉन्स ऑफ प्राइस इंक्रीज इज मोर देन द रिस्पॉन्स ऑफ प्राइस डिक्रीज. ठीक है, द रिस्पॉन्स टू प्राइस इंक्रीज इज लेस देन द रिस्पॉन्स टू प्राइस. मुझे तो ए सही लग रहा है. द किंग डिमांड मोनोपोली इज दिस द रिस्पॉन्स. अच्छा कंज्यूमर की, अच्छा अच्छा सॉरी, यहाँ पे मुझे लगा कि ये जो ग्रुप फर्म्स है उनकी बात कर रहा है, भाई ब्लंडर हो जाता अभी. तो यहाँ पे कंज्यूमर बोल रहा है साफ साफ, यहाँ पे ऑफ ग्रुप फर्म्स भी बोल सकता था. तो जो प्राइस इंक्रीज होगा कंज्यूमर तुरंत भागेंगे, लेकिन प्राइस डिक्रीज होगा तो सभी प्राइस डिक्रीज करेंगे, इससे तुम्हारे खुद के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. बात समझ में आ गई, ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो. द रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर्स, प्राइस इंक्रीज करोगे तो तुम खोगे कस्टमर को और कस्टमर चला जाएगा, रिस्पॉन्स कस्टमर का हाई होगा. लेकिन अगर तुम प्राइस डिक्रीज करोगे तो हर कोई थ्योरी ऑफ फर्म बिहेवियर सबको देख रहा है एक दूसरे को, वहां पे आपका जो प्राइस होगा सब लोग गिरा देगा और कंज्यूमर का तुम्हारे ऊपर कोई इंपैक्ट खास नहीं होगा, वो कहीं से भी ले सकता है. नेक्स्ट हम लोग बात करें, अ फर्म एनकाउंटर्स इट्स शट डाउन. यार शट डाउन कब होता है, जब फर्म जो है अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाती है. सबको पता है एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू द प्राइस,
एटीसी इक्वल टू प्राइस बोल रहा है, एटीसी इज इक्वल टू प्राइस अगर होता ना तो अगर जब बल्ले बल्ले की बात होती वो अपना काम करता रहता है. वाई? बिकॉज अगर प्राइस इक्वल है एटीसी के, इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर हो रही है. तो अ फर्म एनकाउंटर्स इट्स शट डाउन पॉइंट व्हेन एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू द प्राइस एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल. बिल्कुल नहीं. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू द प्राइस, अगर एबीसी भी वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका प्राइस के इक्वल है तो भी तो सब कुछ सही है, शट डाउन क्यों करेंगे. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू द प्राइस, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का प्राइस के इक्वल होने लगी भैया, पहले तो वेरिएबल कॉस्ट कवर होती है. एंड द मार्जिनल कॉस्ट अ फर्म इनकाउंटर्स इट्स शट डाउन पॉइंट व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल. तो यार MR इज इक्वल टू MC का इससे कोई मतलब नहीं है. फर्म एनकाउंटर करती है शट डाउन पॉइंट, मुझे पता है, जब वो अपनी मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे जाती है. तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू प्राइस, इसका मुझे आंसर देखना पड़ेगा. शट डाउन 38 था ना, बी. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, यही लगी रहा था और यही हो गया. सो फर्म एनकाउंटर्स इट्स शट डाउन पॉइंट व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट इनकर्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस. ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे तो शटडाउन मुझे कुछ दिख नहीं रहा है. एवरेज इक्वल्स प्राइस एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, फिक्स्ड कॉस्ट कवर नहीं होती है फिर भी हम लोग शटडाउन तो करते नहीं है. हम सबको पता है कि शटडाउन पॉइंट तब आता है जब आपका जो प्राइस होता है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो. आई डोंट नो दोस्तों, ये मुझे ना सही नहीं लग रहा है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा. सपोज दैट एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट अ फर्म फाइंड्स दैट मार्केट प्राइस इज लेस देन, मार्केट प्राइस इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट. अच्छा ओके, एवरेज टोटल कॉस्ट में सब आता है, फिक्स कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट भी, बट ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बट ग्रेटर देन, अच्छा जो प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है लेकिन एवरेज टोटल कॉस्ट से कम है, इसका साफ साफ मतलब है कि फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो पा रही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द फर्म शुड शट डाउन. बिल्कुल नहीं बेटा, अगर फर्म शुड शट डाउन यहाँ पे गलत हुआ ना तो ये पूरा क्वेश्चन ही गलत होगा. द फर्म शुड शट डाउन नहीं, द फर्म शुड रेज इट्स प्राइस इनफ टू कवर इट्स लॉसेज. भाई कर ही नहीं सकती भाई, एवे फर्म अपना मतलब जब लॉस हो रहा है तो फर्म प्राइस बढ़ा देगी. अगर ऐसा होता तो जिंदगी में किसी को लॉस ही नहीं होता, ये कर ही नहीं सकती. फर्म शुड मूव इट्स रिसोर्सेज टू अनदर इंडस्ट्री, भी कोई बात में सेंस नहीं बनता है. द फर्म शुड कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द शॉर्ट रन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इट्स लॉसेज. बिल्कुल सही बात है, शॉर्ट रन में उसको कंटिन्यू करना चाहिए. इससे मुझे एक बात समझ में आती है कि यहाँ पे देखो एक बात आ रही है शॉर्ट रन की बात है. तो शॉर्ट रन में अगर आपको शॉर्ट रन में अगर आप अपने आप देखो, शॉर्ट रन में अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहे हो तो चलेगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में भी फिक्स्ड कॉस्ट कवर कभी जिंदगी में कर ही नहीं पाओगे. लॉन्ग रन का मतलब है कि आप कभी जिंदगी में फिक्स्ड कॉस्ट कवर नहीं कर पाओगे. तो दोस्तों कहने का मतलब है कि आपको काम छोड़ देना चाहिए. तो क्या जो 38 है उसमें कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि लॉन्ग रन कहीं नहीं लिखा हुआ यार? ठीक है, तो 39 का करेक्ट आंसर है डी. कहने का मतलब है कि प्राइस जो है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है तो खुशी मनाओ, आपको शटडाउन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ लेकिन शॉर्ट रन में. अगर लॉन्ग रन में भी आप जिंदगी भर कभी अपनी फिक्स्ड कॉस्ट ही ना कवर कर पाओ तो क्या ही फायदा हो गया. नाउ व्हेन प्राइस इज लेस देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, व्हेन प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या करना चाहिए भैया? चुपचाप शट डाउन कर दो. इसका आंसर क्या है? शट डाउन. तो क्या लिखा हुआ है? प्रोड्यूस व्हेन मार्जिनल. प्रोड्यूस तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, गलत जवाब. प्रोड्यूस नहीं कर सकते. शट डाउन कर सकते हैं. शट डाउन सिंस इट विल लूज नथिंग. हैं बकवास. शट डाउन सिंस इट कैनॉट इवन कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट. सही. 41 की बात करें, अ प्योरली कॉम्पिटेटिव फर्म सप्लाई शेड्यूल इन द शॉर्ट रन इज. सप्लाई, प्योरली कॉम्पिटेटिव फर्म सप्लाई क्या होता है? सप्लाई अ प्योरली कॉम्पिटेटिव, प्योर कॉम्पिटेटिव यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन. तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का सप्लाई कर्व क्या होता है? देखो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का डिमांड कर्व, देखो सप्लाई का मतलब है कि वो जितना भी चाहे अपना सेम प्राइस पे क्वांटिटी सेल कर सकती है. तो सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? यहाँ पे सप्लाई ऐसे तो है नहीं कि प्राइस बढ़ेगा तो उसको क्वांटिटी बढ़ानी है या फिर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी कम करनी है, ऐसा नहीं है. तो प्योर कॉम्पिटिटिव परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म है. द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स सप्लाई शेड्यूल इन द शॉर्ट रन इज डिटरमाइंड बाय, इन द शॉर्ट रन इज डिटरमाइंड बाय. तो कहने का मतलब है, हाँ मेरे को समझ में आ गया. अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे ना डिमांड लिखा होना चाहिए था, तो हम लोग चुपचाप बोल देते कि डिमांड जो होता है वो एकदम
पैरल टू एक्स एक्सिस होता है। लेकिन भैया पैरल टू एक्स एक्सिस हो गया, मान लेते हैं कि तुम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हो, तो क्या तुम करोड़ों यूनिट सेल करोगे? नहीं मैम, हम उस वक्त पे जाके रुक जाएंगे जब हमारी कॉस्ट जो है ज़्यादा पड़ने लग जाएगी। तो वही बोल रहा है, अ प्योर कॉम्पिटिटिव फर्म सप्लाई शेड्यूल इन द शॉर्ट रन इज डिटरमाइंड बाय वॉट? एवरेज रेवेन्यू? नो। रेवेन्यू? नो। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व? नो। ये तो भैया कंज्यूमर के लिए होता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, राइट एवरीबडी? तो आप अपने कॉस्ट को देखोगे और वहां पे जाकर के जब आपको लगता है कि आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, वहां पे आप रुक जाएंगे। नाउ 42, वन कैरेक्टरिस्टिक नॉट टिपिकल ऑफ ओलिगोपोली, ठीक है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो ओलिगोपोली का नहीं है? हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व? कतई नहीं भैया, ओलिगोपोली में नहीं होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है। यही है आपका गलत जवाब, राइट जवाब। द स्ट्रक्चर ऑफ द टूथपेस्ट इंडस्ट्री, हम सब ने पढ़ा है कि टूथपेस्ट में अलग अलग होता है, तो आपका टूथपेस्ट में आपका मोनोपोलिस्टिक है, ना तो मोनोपोली है, ना तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, ना तो ओलिगोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है। स्ट्रक्चर ऑफ कोल्ड ड्रिंक की अगर हम लोग बात करें तो कोल्ड ड्रिंक में कंपैरेटिवली जो है कम कोल्ड ड्रिंक्स हैं और सबका शेयर अच्छा खासा है, फॉर एग्जांपल पेप्सी कोक, तो वो ओलिगोपोलिस्टिक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स, कौन सा फॉल्स है? इवन अ मोनोपोलिस्टिक फर्म कैन हैव लॉसेस। येस, मोनोपोलिस्टिक डजेंट मीन कि यू कैन नॉट हैव लॉसेस। हम लोगों ने इनफैक्ट पढ़ा भी है कर्व लॉस का, प्रॉफिट का। नाउ फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स अ प्राइस टेकर, ये भी सही है। इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर अ फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट टू डिस्क्रिमिनेट प्राइजेस। इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर अ फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन टू डिस्क्रिमिनेट प्राइजेस, एंड किंग्ड डिमांड कर्व इज रेलेटिव टू ओलिगोपोली। तो डी भी सही है, तो यही बचा। लेकिन बोल क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इट इज़ ऑलवेज, हाँ तो ये तो गलत है ही है, सही है। इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल, डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही नहीं है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। तुम परफेक्ट कॉम्पिटिशन होकर के डिस्क्रिमिनेट करने का सोच रहे हो, मार पड़ेगी। नाउ अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द लॉन्ग रन देयर विल बी वॉट? नो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। वाई? बिकॉज इट विल बी वाइप्ड ऑफ। इसके अलावा जरा बताना और कहाँ पे नहीं हो सकता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट? अगर आपको याद है तो आप बहुत स्मार्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है लर्न दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस, वी नो दैट फर्म्स आर अर्निंग जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट। आप लोग इसको देखिए, तब तक मैं अपने लैपटॉप को कर लेती हूँ चार्ज। चलो जी, व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस, वी नो दैट फर्म्स आर अर्निंग जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट देखते हैं एक बार। ए सी इज इक्वल टू ए आर से मतलब है नहीं, एम सी इज इक्वल टू ए सी मतलब है नहीं। एम सी देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो, एक बात बताऊँ आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस में, सी इज इक्वल टू सी से कभी भी प्रॉफिट लॉस निकलता है? प्रॉफिट तभी निकलता है जब एक कॉस्ट की बात हो रही हो और एक रेवेन्यू की बात हो रही हो। तो यहाँ पे है क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे भी ए आर एम आर की बात हो रही है, ये भी नहीं। तो बात तो इससे और इससे होती है। तो क्या हम लोग जो प्रॉफिट्स फिगर आउट करते हैं वो, देखो दोस्तों, हम लोग एम आर इज इक्वल टू एम सी तो हमारी याद करो इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, राइट? तो करेक्ट आंसर इज ए सी इज इक्वल टू ए आर। तो व्हेन ए सी इज इक्वल टू ए आर, वी नो दैट द फर्म्स आर अर्निंग जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट। तो सी सी कभी नहीं हो सकता, प्रॉफिट इससे नहीं आएगा, आर आर से प्रॉफिट नहीं आएगा, एम आर इज इक्वल टू एम सी तो अलग बात हो गई, अलग दुनिया की बात हो गई इक्विलिब्रियम की। तो आंसर इज ए सी इज इक्वल टू ए आर। Now, when this is equal to this, we know that the firms under perfect competition must be producing at the minimum point on the average cost curve, and so there will be production efficiency. देखो जब भी productive efficiency की बात हो रही है उसका मतलब भी profit हो गया, ठीक है? तो again इसमें भी देखा जाए तो आर आर को हटा दो, सी सी को हटा दो, ठीक है? और हम लोग को पता है कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कब होती है परफेक्ट कंपटीशन में, जब सब कुछ एक दूसरे के बराबर होता है, चाहे एवरेज टोटल कॉस्ट हो, एमआर हो, एमसी हो, सब कुछ हो, ठीक है? तो मतलब कहने का मतलब है एमआर इज इक्वल टू एमसी अगेन इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए हो गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे भी ए सी इज इक्वल टू एमआर होगा, एआर होगा। व्हेन ए सी इज इक्वल टू एआर, वी नो दैट द फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन मस्ट बी प्रोड्यूसिंग एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व, एंड सो देयर विल बी प्रोडक्शन एफिशिएंसी। तो यहाँ पे ये तो परफेक्ट है, ए सी इज इक्वल टू ए आर। यहाँ पर मुझे कुछ डाउट लग रहा है। व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस, वी नो दैट फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन मस्ट बी प्रोड्यूसिंग एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व, सो दैट देयर विल बी प्रोडक्शन एफिशिएंसी। परफेक्ट कंपटीशन और मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व,
आई थिंक ये भी सही है, ये भी सही है, एम आर इज इक्वल टू एम सी, लेकिन जस्ट बिकॉज प्रोडक्शन एफिशिएंसी बोल दिया है ना, तो ए सी इज इक्वल टू ए आर हो सकता है, ठीक है? तो मुझे ए और सी में 50-50 लग रहा है, आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा, मोस्ट चांसेस है कि ए सी इज इक्वल टू ए आर ही होगा. नेक्स्ट बात करें 49, व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस देयर विल बी एलोकेटिव एफिशिएंसी. तो एलोकेटिव एफिशिएंसी, एलोकेशन मीनिंग देयर बाय, मीनिंग बता रहा है, मीनिंग देयर बाय दैट द कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द प्राइस कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे एंड सो दैट द राइट गुड्स आर बीइंग सोल्ड टू द कस्टमर्स. देखो अगेन सीसी नहीं हो सकता, आरआर नहीं हो सकता, क्योंकि एफिशिएंसी की बात हो रही है, प्रॉफिट की बात हो रही है. अब दोस्तों देखिए यहां पे बोल रहा है देयर बाय दैट द कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द प्राइस कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे. तो ये कहीं ना कहीं आपके जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स के बेनिफिट की बात हो रही है, कस्टमर्स के बेनिफिट की बात हो रही है. तो कस्टमर्स के बेनिफिट की बात क्या हम एम आर इज इक्वल टू एम सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं? बताइए. कस्टमर्स की बात, ये तो एम आर इज इक्वल टू एम सी तो प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. तो इसका सही आंसर होगा एम सी इज इक्वल टू ए आर, यानी कि तुम जो एडिशनल प्राइस ले रहे हो वो एग्जैक्टली, देखो जो जेब से निकल रहा है कस्टमर के, वो एग्जैक्टली इक्वल है कि क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है प्रोड्यूसर की. तो यानी कोई सरप्लस नहीं बचा रहा है कस्टमर, नहीं सॉरी प्रोड्यूसर, ठीक है? तो एलोकेटिव एफिशिएंसी यानी कहने का मतलब है कि लास्ट यूनिट इज इक्वल टू द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे, यहां पे कंज्यूमर का दिल जीतने की बात हो रही है. नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल गुड्स मार्केट्स डिपिक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट? आलू मंडी क्या होती है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉम्पिटिटिव मार्केट? परफेक्ट कॉम्पिटिशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? दे आर मेनी बायर एंड सेलर, ये है. द गुड्स ऑफर्ड आर लार्जली सेम, होमोजेनियस, ये भी है. फर्म्स जनरेट स्मॉल बट पॉजिटिव सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, हो ही नहीं सकता. फर्म्स कैन फ्रीली एंटर, ये है. तो दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक. नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स वुड मोस्ट क्लोजली सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट? विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट, देखो यार इलेक्ट्रिसिटी तो काइंड ऑफ मुझे लगता नहीं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो हो ही नहीं सकती. कोकोला भी ओलिगोपोली हम लोगों ने देख लिया. जो केबल टेलीविजन है इसमें बहुत लोग नहीं है भैया, कंपैरेटिवली दूध वाले हर जगह हैं. तो ये है परफेक्ट कॉम्पिटिशन. नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एक्यूरेट रिगार्डिंग अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट? बार बार एक ही बात बोल रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट रिगार्डिंग अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट? जो डिमांड कर्व होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, वो क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग हो ही नहीं सकता है, वो हमेशा आपका ये ऐसा होता है. द डिमांड कर्व लाइज अबव द एम आर कर्व, नहीं डी एम आर सब इक्वल होता है. एवरेज रेवेन्यू नीड नॉट बी इक्वल टू प्राइस, ये भी गलत है बिकॉज सब कुछ इक्वल होता है. प्राइस इज गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट? प्राइस इज गिवन एंड इट इज डिटरमाइंड बाई इक्विलिब्रियम इन द एंटायर मार्केट. मार्केट का मतलब आपका इंडस्ट्री हो गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर है. नाउ नेक्स्ट, द मार्केट फॉर द हैंड टूल्स, हैंड टूल्स का मतलब हैमर स्क्रू ड्राइवर्स, इट इज डोमिनेटेड बाय ड्रेपर स्टेनली एंड क्राफ्ट्समैन. अच्छा, द मार्केट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, देखो अब एक एक एलिमिनेट करते जाओ, एलिमिनेशन मेथड. एक तो है नहीं तो मोनोपोली नहीं होगा, बहुत तो है नहीं तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं होगा, ठीक है? अब बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, ठीक है? तो मुझे तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव और ओलिगोपोली. अच्छा, सुनो, द मार्केट फॉर हैंड टूल्स इज डोमिनेटेड. याद रखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ओलिगोपोली का मतलब होता है स्मॉल नंबर ऑफ डोमिनेटिंग फर्म. तो ये आ गया करेक्ट आंसर. नेक्स्ट बात करें, अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच मेनी फर्म्स सेल प्रोडक्ट्स दैट आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, मोनोपोलिस्टिक. याद करो साबुन. नेक्स्ट हम बात करें, व्हेन एन ओलिगोपोलिस्ट इंडिविजुअली चूजेस इट्स लेवल ऑफ प्रोडक्शन टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, इट चार्जेस अ प्राइस. ओलिगोपोली में हमेशा वो फर्म बिहेवियर को देखता रहता है, सबको पता है ना. अच्छा, तो ओलिगोपोली जो है अपना लेवल ऑफ प्रोडक्शन करता है, वो जो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए जो प्राइस चार्ज करता है, वो प्राइस कैसे आता है? दैट प्राइस इज मोर देन द प्राइस चार्ज्ड बाय मोनोपोली और कॉम्पिटिटिव मार्केट. दैट प्राइस इज मोर देन द प्राइस चार्ज्ड बाय मोनोपोली एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन. देख लेते हैं, इट इज लेस देन द प्राइस चार्ज्ड बाय मोनोपोली. मैंने आपके लिए प्राइस का चार्ट बनाया है, इट इज़ मोर देन द प्राइस चार्ट. जब देखो प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो मोनोपोलिस्ट जो होता है, मोनोपोली इंडिविजुअल आदमी, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस चार्ज कर सकता है. उसके नेक्स्ट बात हम लोग आते हैं ओलिगोपोली में. वाई? बिकॉज वो चाहे तो बहुत हाई प्राइस चार्ज कर सकता है, वो अपने फील्ड में डोमिनेट कर रहा है. लेकिन याद, कहने का मतलब ये ओलिगोपोली में स्मॉल नंबर ऑफ डोमिनेटिंग फर्म्स हैं, लेकिन वो मोनोपोलिस्ट से ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, या फिर मोनोपोलिस्ट से हमेशा कम ही प्राइस उसको चार्ज करना पड़ेगा. क्योंकि पता है, क्योंकि
उनको हमेशा ग्रुप बिहेवियर पे ध्यान रखना पड़ता है, तो वो मोनोपोलिस्ट की तरह कभी भी हाई प्राइस नहीं चार्ज करती, हाँ फिर भी हाई प्राइस चार्ज कर सकती हैं। अच्छा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाला बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता, और फिर उसके बाद मोनोपोलिस्टिक की। तो प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है कि ओलिगोपोलिस्ट किस टाइप का प्राइस चार्ज करता है, लेस देन द प्राइस चार्ज्ड बाय मोनोपोली एंड मोर देन द प्राइस चार्ज्ड बाय कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो ये मुझे सही लग रहा है। नाउ मोर देन द प्राइस चार्ज बाय मोनोपोली हो ही नहीं सकता है, नाउ लेस देन द प्राइस चार्ज्ड बाय मोनोपोली और कॉम्पिटिटिव मार्केट बोल दिया ना, इसलिए गलत है, वरना ये भी सही हो जाता। मोर देन द प्राइस चार्ज्ड बाय आइदर मोनोपोली और कॉम्पिटिटिव, ये भी गलत हो गया। तो बेसिकली ये भी सही है, मोर देन द प्राइस चार्ज्ड बाय या तो मोनोपोली या तो कॉम्पिटिटिव, ये भी सही है, लेकिन ये परफेक्ट है बिकॉज यहाँ पे आधी अधूरी, देखो याद रखना यहाँ पे आधी अधूरी बात है, और यहाँ पे गजब का बात है, दो से रिश्ता निकाला है, मोनोपोली से भी करेक्ट रिश्ता और कॉम्पिटेटिव मार्केट से भी करेक्ट रिश्ता। 57 की बात करें, इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ कॉम्पिटेटिव मार्केट, इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ कॉम्पिटेटिव मार्केट, लॉन्ग रन की बात कर रहा है और परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, फर्म्स ऑपरेट एट इंटरसेक्शन ऑफ MC एंड MR, बिल्कुल सही है। द फर्म्स ऑपरेट एट देर एफिशिएंट स्केल, ये तो हमेशा होता है। द फर्म्स ऑपरेट एट जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, ये भी होता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो सकता। एंड ऑल दीज आंसर करेक्ट, ऑल दीज आंसर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव, याद है मोनोपोलिस्टिक का मतलब साबुन। फ्री एंट्री एग्जिस्ट हो सकती है, सेलर्स काफ़ी हैं, कंपैरेटिवली काफ़ी हैं, और ऐसे तो है नहीं कि एकदम कम है मोनोपोली की तरह। एबनॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर इज दिस, बिकॉज दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं हो सकते, है ना, मोनोपोलिस्टिक। एंड आपका देखो यार, कहीं पे भी एबनॉर्मल प्रॉफिट होंगे और वहाँ पे एंट्री फ्री है तो सब आकर के एबनॉर्मल प्रॉफिट को खा जाएंगे। नाउ 59 की बात करें, इन अ शॉर्ट पीरियड सप्लाई इज फिक्स्ड, डिमांड एंड सप्लाई फिक्स्ड, डिमांड इज फिक्स्ड, नन ऑफ द अबव। यार देखो, कहने का मतलब है शॉर्ट टाइम में अब आप बोल सकते हो मैम डिमांड एंड सप्लाई फिक्स, अरे भैया आज की डेट में डिमांड बहुत हो सकती है, डिमांड को शॉर्ट पीरियड से मतलब नहीं है, अगर भुखमरी हो गई डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन शॉर्ट पीरियड में सप्लाई फिक्स होती है। नाउ टाइम एलिमेंट वॉज कंसीव बाय, ये आपका होमवर्क है, मैंने आपको बता दिया, मैं आपको सब बताती हूँ, कॉन्सेप्ट पूरा बताती हूँ, एक दो क्वेश्चन आपको खुद से करना है। नाउ टोटल रेवेन्यू क्या होता है, भैया एकदम छपरी क्वेश्चन मत पूछो, टोटल रेवेन्यू का मतलब प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट हम बात करें एवरेज रेवेन्यू इज द, थोड़ी सी आवाज आ रही होगी, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू अर्न्ड फॉर क्वांटिटी, राइट, डिवाइड बाय क्वांटिटी। पर यूनिट ऑफ इनपुट, बिल्कुल नहीं, पर यूनिट ऑफ आउटपुट, बिल्कुल यस, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इनपुट, बिल्कुल नहीं, डिफरेंट यूनिट, बिल्कुल नहीं, पर यूनिट ऑफ आउटपुट, चुपचाप, पर का मतलब एवरेज होता है। नाउ AR कैन बी सिंबली शोन एज TR डिवाइड बाय Q, AR इज ऑल्सो नोन एज प्राइस, फिर उसके बाद मैंने टिक भी किए हुए हैं, इसका मतलब आंसर सही है, बहुत ही सिंपल है, सबको छपरी क्वेश्चन है। मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट, परचेज, बिल्कुल नहीं, सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट, बिल्कुल सही, सेल ऑफ सब्सिक्वेंट यूनिट, यार सब्सिक्वेंट का मतलब मुझे तो ये दोनों सही लग रहा है। सो मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन द टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम सेल ऑफ एडिशनल यूनिट एंड सेल ऑफ सब्सिक्वेंट यूनिट, बिल्कुल तो सही, यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। आई डोंट नो, आप लोग मुझे डिस्कशन फोरम पे बताइएगा या फिर कमेंट सेक्शन में कि आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है। आपका सही आंसर इंस्टीट्यूट की बुक ने बी लिखा हुआ है, तो सेल ऑफ एडिशनल यूनिट, सेल ऑफ सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट का मतलब और एडिशनल का मतलब क्या होता है यार, एक बार ज़रा डिक्शनरी मीनिंग देखना, मतलब इतना ज़्यादा क्लोज इंस्टीट्यूट आंसर पूछता है कि समझ ही नहीं आता कि क्या होगा, है ना। तो मुझे तो ये दोनों से लग रहा है आपके इंस्टीट्यूट की बुक में ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें, जब इलास्टिसिटी आपकी एक से ज़्यादा है तो MR क्या होगा। मैं अगेन आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ले जाती हूँ, याद करो मैंने आपको बताया था कि ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग कहते थे कि जो आपकी इलास्टिसिटी होती है वो होती है लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, ठीक है, आखिरी बार बता रही हूँ भैया, इसके बाद इस अटेम्प्ट के लिए तो नहीं बताने वाली। तो लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, तो यहाँ पे बोल रहा है E इज ग्रेटर देन 1, E ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जब लोअर सेगमेंट ज्यादा होगा। तो लोअर सेगमेंट ज्यादा है, इसका मतलब हम लोग कहां पे खड़े हुए हैं, हम लोग कहीं यहां पे खड़े हैं, तभी तो लोअर सेगमेंट ज्यादा है। तो लोअर सेगमेंट ज्यादा है अपर सेगमेंट से, तो इसका मतलब क्या हुआ, MR क्या होगा, MR इसका मतलब है कि लोअर सेगमेंट ज़्यादा है। अब अगर हम लोग इलास्टिसिटी का फॉर्मूला देखें तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर हम लोग प्राइस चेंज करेंगे तो क्वांटिटी, अगर मान लेते हैं कि प्राइस हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत तेज बढ़ेगा। और MR क्या होता है, MR का मतलब है दो क्वांटिटीज का टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस।
तो कहने का मतलब अगर तुमको एक एडिशनल यूनिट सेल करनी है, मान लेते हैं MR का मतलब क्या होता है, 9th एंड 10th यूनिट के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव 1 0 क्या, तो कहने का मतलब है कि अगर तुम E is equal to greater than 1 पे खड़े हुए हो तो ऑफकोर्स तुम जो है लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी सेल करने के लिए अपने प्राइस को घटाओगे। जब तुम प्राइस को घटाओगे और E greater than 1 है, इसका मतलब है कि क्वांटिटी डिमांडेड बहुत तेजी से बढ़ेगा। तुम जितना प्राइस घटा रहे हो उससे बहुत तेजी से क्वांटिटी डिमांडेड तुम्हारा बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऑफकोर्स एक यूनिट तो बढ़ा लेकिन प्राइस घटा लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा। तो कहने का मतलब प्राइस में चेंज जो है ना कम है तो ऑफकोर्स MR जो है पॉजिटिव आएगा। नाउ अगर आपका E इक्वल टू 1 है, E इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि जितना प्राइस में चेंज करोगे परसेंटेज चेंज उतना ही परसेंटेज चेंज, मैंने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा बढ़ा के यहाँ पे बता दिया, इतना बढ़ाना नहीं चाहिए था। अगर आपका जो इलास्टिसिटी है वो 1 के इक्वल है तो आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या होगा। अगर आपका E इज इक्वल टू 1 है सो MR विल बी वॉट, मेरे को हिसाब से MR आपका 0 होगा, बिकॉज MR का मतलब होता है 2 के बीच का रेवेन्यू का डिफरेंस। ठीक, अब E इज इक्वल टू 1 बोल रहा है कि भैया तुम जितना चाहो क्वांटिटी बढ़ा लो, तुम क्वांटिटी बढ़ाओगे ना तो इतना ही प्राइस कम करना पड़ेगा, TR चेंज ही नहीं होगा। यही तो मतलब होता है, याद करो हम लोगों ने टोटल आउटले मेथड पढ़ा हुआ था, है ना। तो यहाँ पे टोटल आउटले मेथड सही पढ़ रहा है, ग्राफिकल नहीं, टोटल आउटले मेथड। तो E इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, और इलास्टिसिटी 1 का मतलब होता है कि TR में कोई चेंज नहीं होगा, और जब TR में चेंज नहीं होगा तो MR क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि अगर आपका इसी तरीके से कर लेना यार, 66, 67, 68 में मैंने 2 बता दिया, एक आपका होमवर्क हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 69 की, इन इकोनॉमिक्स द टर्म मार्केट का मतलब क्या होता है। आइए देखते हैं, मार्केट का मतलब होता है प्लेस वेयर बायर एंड सेलर बार्गेन अ प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉर अ प्राइस। बिल्कुल सही लग रहा है। नाउ नेक्स्ट है प्लेस वेयर बायर डज नॉट बार्गेन, प्लेस वेयर सेलर कुछ नहीं, तो ये सही है। नाउ अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म इज, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो फर्म होती है वो क्या होती है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फर्म होती है प्राइस मेकर एंड नॉट प्राइस टेकर। गलत, प्राइस टेकर एंड नॉट प्राइस टेकर, बिल्कुल सही, प्राइस मेकर ये भी गलत, ये भी गलत, तो ये सही है। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये सही है ना। अब मोनोपोलिस्ट इज अ, मोनोपोलिस्ट कौन होता है, अपना प्राइस मेकर होता है। प्राइस एडजस्टर का मतलब क्या होता है, प्राइस एडजस्टर का मतलब होता है वो लेता है और एडजस्ट करता है, तो लेता है ही नहीं। ठीक है, अच्छा प्राइस एडजस्टर कौन होता है आप लोग बताइए। याद है हम लोगों ने पढ़ा था प्राइस लीडरशिप, तो प्राइस लीडरशिप कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, वो आपको याद होना चाहिए, नोट्स में भी था, वो प्राइस एडजस्टर है। वो प्राइस लीडरशिप के हिसाब से प्राइस लेता है फिर कुछ एडजस्ट करता है। ठीक है, तो आपको इसको समझने की जरूरत नहीं है, प्राइस मेकर होता है। नाउ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसका फीचर है, याद करो मोनोपोली का, याद है ना। और कौन कर सकता है यार प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोलिस्ट करता है, 3 लेवल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। नाउ अंडर मोनोपोली द डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस इज नन, हो ही नहीं सकता, सम हो ही नहीं सकता, वेरी कंसिडरेबल का मतलब अच्छा खासा, तो ये सही आंसर है। नाउ 74th, जनरली पेरिशेबल गुड्स लाइक बटर एग मिल्क वेजिटेबल विल हैव विच टाइप ऑफ मार्केट, लोकल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट थोड़ी ना होगी। नाउ ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है 75 एट प्राइस पी। दोस्तों जिस तरीके से हम लोग आज पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही खतरनाक तरीके से हम लोग करने वाले हैं अपना मैराथन। नाउ एट प्राइस पी 1, ध्यान से देखिए सभी बच्चे, एट प्राइस इज इक्वल टू पी 1 द फर्म इन द फिगर विल प्रोड्यूस कितना क्वांटिटी। तो बेटा अगर आप लोग प्राइस की बात देखें तो जैसे ही पी 1 की अगर हम बात करें तो AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC होता है। अब MR इज इक्वल टू MC P1 पे देखते ही बच्चा बोलेगा कि मैम ये आपका MR हो गया, ये MC हो गया, इसका मतलब ये बनाएगा Q3। मार पड़ेगी, क्या ATC यहाँ पे तुमको लॉस नहीं दिखा रहा। ATC भी तो तुम देखते हो कि बस MR इज इक्वल टू MC करके एकदम जयराम जी की कर देते हो, बताइए, तो ये 0 आउटपुट बनाएगा। वाई, बिकॉज लॉसेज हैं। नाउ सेक्युलर पीरियड का मतलब होता है लंबा पीरियड, ठीक है, वेरी लॉन्ग पीरियड। यहाँ पे डिक्शनरी भी घुसा दिया है, अंग्रेजी भी घुसा दिया है। स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड मार्केट होता है, याद रखिएगा। नाउ मार्केट फॉर अल्टीमेट कंज्यूमर्स इज रिटेल मार्केट, ठीक है, नाउ रिटेल। नाउ फिर उसके बाद होलसेल पता है B2B होता है, लेकिन अल्टीमेट कस्टमर के लिए B2C क्या होता है, रिटेल मार्केट। कंडीशन फॉर प्योर कॉम्पिटिशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, फ्री एंट्री एग्जिट, बिल्कुल सही, एग्जिस्ट बोल रहा है एग्जिट को। होमोजेनियस प्रोडक्ट, बिल्कुल सही, बोथ ए एंड बी, बिल्कुल सही, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजेनियस प्रोडक्ट, परफेक्ट नॉलेज, तो ये बिल्कुल सही है। देखो कितना घुमा रहा है भाई साहब। नाउ प्योर ओलिगोपोली इज बेस्ड ऑन, प्योर ओलिगोपोली हम लोगों ने पढ़ा था, यस, अगर आप अपने नोट्स को देखें तो मैंने आपको प्योर ओलिगोपोली पढ़ाया हुआ है। वैसे अभी भी नोट्स खुले हुए मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन आपके पास भी नोट्स होने चाहिए। तो प्योर ओलिगोपोली इज बेस्ड ऑन क्या, प्योर ओलिगोपोली है और एक फुल ओलिगोपोली है, याद करो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था यार, सब कुछ पढ़ा हुआ है रिविजन में। मैं थक गई बोलते बोलते, 2 मिनट रुक जाओ भाई।
ओके नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग प्योर ओलिगोपोली. नाउ प्योर ओलिगोपोली इज बेस्ड ऑन हम लोगों ने यार पढ़ा हुआ था. हम लोग अगर यहाँ पे देखें प्योर ओलिगोपोली, आई थिंक आप लोग को ये दिख रहा होगा प्योर ओलिगोपोली. ओलिगोपोली सबसे नीचे आ रहा है राइट. ओलिगोपोली आपका आ रहा है मोनोपोलिस्टिक और ये रहा ओलिगोपोलिस्टिक ओलिगोपोली इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन राइट. हाँ जी ये देखिए तो प्योर ओलिगोपोली हो गया और अभी क्वेश्चन में आएगा कल्यूसिव ओलिगोपोली, ये आपको याद करना पड़ेगा ठीक है. तो प्योर ओलिगोपोली इज बेस्ड ऑन कौन सा प्रोडक्ट, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ होमोजेनस. मैंने कहा ना मेरे नोट्स में सब कुछ कवर्ड है. तो प्योर ओलिगोपोली यानी कि परफेक्ट ओलिगोपोली आपका हो गया होमोजेनस प्रोडक्ट. तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा होमोजेनस प्रोडक्ट. फिर क्या बोल रहा है इन ओलिगोपोली व्हेन द इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म विच इज कंसिडर्ड एज प्राइस लीडर विच इज कंसिडर्ड एज लीडर ऑफ द ग्रुप, तो वो कौन सी ओलिगोपोली होती है, फुल ओलिगोपोली होती है ठीक है. फुल ओलिगोपोली प्राइस लीडरशिप इज नहीं नहीं फुल नहीं पार्शियल ओलिगोपोली आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद नहीं आ रहा है. हाँ एक बार देख लेते हैं यहाँ पे ये आपके आप ये देखो 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 आ गया. पार्शियल ओलिगोपोली का मतलब होता है कि वन फर्म डोमिनेट्स एंड इट इज द मार्केट लीडर. और फुल ओलिगोपोली क्या है, फुल ओलिगोपोली का मतलब है एब्सेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप. प्राइस लीडरशिप इज एब्सेंट ठीक है. तो यहां पे बोल रहा है कि प्राइस लीडरशिप है, लीडर है. अरे भैया लीडर है ग्रुप का तो वो किस बात का लीडर है, वो क्वांटिटी का लीडर होगा, वो प्राइस का लीडर होगा, तो वो पार्शियल होगी. और फुल ओलिगोपोली में क्या होता है, पार्शियल प्राइस लीडरशिप एब्सेंट होती है. तो प्लीज चेक माय रिवीजन नोट्स, माय रिवीजन नोट्स हैव कवर्ड एवरीथिंग. 82 व्हेन द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड बॉडी, आइए उसको भी देखते हैं. सेंट्रलाइज्ड सेंट्रलाइज्ड ये देखिए जी दिख रहा है सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट सिंडिकेट ओलिगोपोली. नेक्स्ट बात कर रहे हैं व्हेन द मोनोपोलिस्ट डिवाइड्स द कंज्यूमर्स इनटू सेपरेट सब मार्केट्स एंड चार्जेस डिफरेंट प्राइजेस इन द डिफरेंट सब मार्केट, इसको क्या बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. तो बोलते हैं भैया कौन सा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, तो अगर मैं आपको रिमाइंड करूं तो जो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वो एज पर द एबिलिटी होता है, जो सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वो बल्क और रिटेल के हिसाब से होता है, और जो थर्ड डिग्री होता है वो सेगमेंट वाइज होता है ठीक है. तो ये क्या बोल रहा है व्हेन द मोनोपोलिस्ट डिवाइड्स, भैया चल रहा है ना, व्हेन द मोनोपोलिस्ट डिवाइड्स द कंज्यूमर्स इनटू सेपरेट सब मार्केट, तो सब मार्केट आपका थर्ड डिग्री हो गया. नाउ अंडर दिस द मोनोपोलिस्ट विल फिक्स अ प्राइस विच विल टेक अवे द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस. तो बेटा ऐसा कब होता है, अच्छा अगर आप ध्यान दें तो मैंने यहाँ पे सब देखो कुछ चीज़ें ना रटना पड़ेगा. अब फॉर एग्जांपल बोल रहा है कि कौन से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में मोनोपोलिस जो होता है वो एक प्राइस फिक्स करता है जो कि उसका सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस ले, कंज्यूमर का सरप्लस ले आता है. देखो सेकंड डिग्री की बात करें तो सेकंड डिग्री में आपका सोप हो गए, याद है हम लोगों ने बात की थी कि जैसे शैम्पू के पाउचेस हो गए उस हिसाब से सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है. वहां पे शैम्पू का पाउच एक ही रुपए का बेचेगा लेकिन जो रईस लोग हैं जो दे सकते हैं वहां पे कहने का मतलब है वो सेकंड डिग्री हो गया. यहां पे बोल रहा है ऐसा क्या करेगा कि कंज्यूमर सरप्लस उड़ जाए. तो देखो मैं बताती हूँ, मान लेते हैं कि मेरे ये देखो आपको याद भी करना पड़ेगा लेकिन एक बार मैं आपको समझा भी देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरा फर्स्ट डिग्री है ठीक है. अब फर्स्ट डिग्री है हूँ मैं. अब फर्स्ट डिग्री में क्या है कि जहाँ पे याद करो जो डॉक्टर्स होते हैं वो अगर देख रहे हैं कि मैं अमीर हूँ मेरी इनकम लेवल है तो मुझसे अच्छा खासा प्राइस चार्ज करेंगे, इतना प्राइस चार्ज करेंगे उनको पता है मैं दे दूंगी भले मेरा कंज्यूमर सरप्लस ना बचे. लेकिन एक गरीब आदमी है वो नहीं दे पाएगा. तो डॉक्टर हो गए, ऑक्शन हो गया, ऑक्शन में खुद देखो ऑक्शन में कितना खतरनाक पैसा चार्ज किया जाता है राइट. तो इट विल टेक अवे द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस. तो ये आपका हो गया फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. 85 की बात करें, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज रिलेटेड टू व्हाट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस चीज को लेकर के होता है, टाइम को लेकर के, साइज ऑफ द परचेज को लेकर के बल्क रिटेल बोला ही था, इनकम को लेकर के बिल्कुल अलग अलग इनकम वाले लोग हैं फॉर एग्जांपल सीनियर सिटीजन हो गए उनके हिसाब से गरीब अमीर के हिसाब से,
एनी ऑफ द एवर, पता नहीं क्यों है मुझे टाइम नहीं समझ में आ रहा, कि ये नहीं समझ में आ रहा मुझे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज रिलेटेड टाइम कैसे. देखो अब जब दो चीज सही हो गई है और इसके लिए हम लोग श्योर हैं, पता ही है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो साइज को लेकर के होता है, बल्क में सामान खरीदो या फिर थोक में या फिर रिटेल में खरीदो तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है भाई. बल्क में खरीदोगे तो एक चीज 2 रुपए की मिल जाएगी, वही अकेले अकेले खरीदोगे 10 रुपए का मिलेगा, तो ये तो सही है. इनकम भी पता है अमीर गरीब का, तो भैया मुझे ये नहीं पता है इसलिए एनी ऑफ द भी कर दो, ठीक है दो तो टिक भैया. अच्छा एक और बात यहाँ बताऊंगी कि बच्चे सोचते हैं कि अगर दो सही जवाब है तो दोनों टिक कर दो, ऐसा मत करके आना. दो टिक करोगे तो वहां पे इंसान चेक नहीं करता है, OMR शीट जो होती है कंप्यूटराइज चेकिंग होती है, इसलिए गलती हो जाएगी. नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, द फर्म एंड द इंडस्ट्री आर वन एंड द सेम इन व्हाट. मोनोपोली में एक ही बंदा होता है, तो जो इंडस्ट्री होती है वो फर्म होती है. नेक्स्ट द डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली फर्म. मोनोपोली का डिमांड कर्व क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, मोनोपोली में भले वो सबसे ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है लेकिन अगर उसको ज्यादा डिमांड चाहिए, डिमांड कर्व चाहिए, अच्छा खासा यूनिट चाहिए, तो उसको भी अपना लॉ ऑफ डिमांड लगाना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा, तो इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग किसमें नहीं होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में. 88 की बात करते हैं, इफ द एवरेज कॉस्ट इज हायर देन द एवरेज रेवेन्यू देन द फर्म इनकर्स. आपका एवरेज कॉस्ट जो है वो ज्यादा है भैया, तो नॉर्मल प्रॉफिट को तो छोड़ ही दो, एबनॉर्मल प्रॉफिट छोड़ दो, लॉस ऑब्वियसली नो प्रॉफिट नो लॉस छोड़ दो भैया. AC अगर हाई है तो लॉस ही होगा ना. नाउ 89 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है. प्राइस रिजिडिटी इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो प्राइस रिजिडिटी इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली. दे डू चेंज. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. सही कौन सा है. तो जो प्राइस रिजिडिटी होती है वो इंपॉर्टेंट फीचर होती है मोनोपोली की. ऐसा होता है क्या, अभी ऊपर पढ़ा कि भैया मोनोपोली में भी प्राइस चेंज करना पड़ सकता है. सेलिंग कॉस्ट आर पॉसिबल अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में अच्छा बोला कि कौन सा सही है. सेलिंग कॉस्ट आर पॉसिबल अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये भी गलत है. हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कोई भी हिडन चार्ज होता ही नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होती है, कोई ब्रोकरेज कॉस्ट नहीं होती है. इतने सारे सेलर होते हैं, इतने सारे बायर होते हैं कि कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लेनी ही नहीं पड़ती है सेल करने के लिए. सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कस्टमर्स, ठीक है. तो ये भी नहीं. नाउ अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट मूव फ्रीली एज देर आर लीगल रेस्ट्रिक्शंस. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आराम से फ्रीली घूमता है. नेक्स्ट इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ मेनी फर्म्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एंड इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ मेनी फर्म्स, ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट. मतलब नाम छोटे क्या था, दर्शन बड़े, समथिंग लाइक दैट, नाम बड़े दर्शन छोटे, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अगर हम लोगों ने यहाँ पे नीचे से स्टार्ट किया होता और किसी बच्चे के पास कम टाइम होता तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट में वो एन इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ मेनी फॉर्म्स दिखता, टिक करता, लेकिन अगर एनी ऑफ द अबव या फिर ऑल ऑफ द अबव नहीं है. नेक्स्ट हम लोग बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत कौन सा. अंडर मोनोपोली देर इज नो डिफरेंस बिटवीन फॉर्म इंडस्ट्री. ये अंडर मोनोपोली ये तो सच है, हम लोग को देखना है झूठ कौन सा है. अ मोनोपोली में रिस्ट्रिक्ट द आउटपुट एंड रेज द प्राइस. मोनोपोली जो है आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है और रेज कर सकता है प्राइस, बिल्कुल सही जवाब है. कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विल बी हेट्रोजीनियस. कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन हेट्रोजीनियस हो ही नहीं सकती है, ये गलत है. Which for market the essential condition is particular geographical place, बिल्कुल नहीं. अमेरिका, एम्स्टरडेम, इंडिया कहीं भी हो सकता है. कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं. क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, यस, नन ऑफ द अबव, नहीं. मार्केट के लिए भैया कॉन्टैक्ट तो होना जरूरी है. देखो क्लोज कॉन्टैक्ट का मतलब बोल नहीं रहे कि चिपक जाओ चुंबक की तरह, लेकिन अगर आप भी मेरे मतलब समझ लो कि आप भी बायर हो, आप कहीं बैठे हुए हो, एक कॉन्टैक्ट तो है ना हम दोनों के बीच में, भले ऑनलाइन ही हो. नाउ ये रिपीट क्वेश्चन है, 93 की बात कर रहे हैं. एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है कि टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, नथिंग बट प्राइस ऑफ वन यूनिट ऑफ आउटपुट. एग्जाम्पल ऑफ कमोडिटी सेट टू हैव इंटरनेशनल मार्केट. देखो इंटरनेशनल मार्केट हमेशा किन चीज़ों का होता है, इंटरनेशनल मार्केट हमेशा उन चीज़ों का होता है जिनकी जो छोटी हो और वैल्यू हाई हो. फॉर एग्जाम्पल डायमंड्स, ठीक है, तो हाई वैल्यू एंड स्मॉल बल्क. अब आप बोलोगे, मेरे से लड़ाई करोगे, मैम बड़े बड़े शिप्स भी तो जो है इंटरनेशनली जो है वो सेल होते हैं और जो मशीनें हैं वो भी तो सेल होती हैं. होता है, बट इन दोनों के कंपैरिजन में ये मोस्ट करेक्ट है.
ये भी रिपीट है. कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम क्या होता है, एम आर इज इक्वल टू एम सी सही है, एम सी शुड कर्व एम आर फ्रॉम बिलो ये भी सही है, एम आर इज इक्वल टू ए आर एंड एम सी शुड कर्व एम आर फ्रॉम बिलो. अरे यार अब क्या करें, एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी शुड कर्व हैव अ पॉजिटिव स्लोप. ये मुझे तो कोई सही नहीं लग रहा है, ये सही है ये सही है तो छोड़ नहीं सकते हैं, कोई एक ही होगा. एम आर इज इक्वल टू एम सी, एम आर इज इक्वल टू ए आर एंड, अच्छा एम आर इज इक्वल टू ए आर एंड एम सी, नहीं नहीं एम आर इज इक्वल टू ए आर एंड एम सी शुड कर्व एम आर फ्रॉम बिलो. देखो कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म इज एम आर इज इक्वल टू एम सी सही है, एम सी शुड कर्व एम आर फ्रॉम बिलो सही है, तो आप दो तो टिक करके आओगे नहीं. कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म एम आर इज इक्वल टू ए आर एंड एम सी शुड कर्व एम आर फ्रॉम बिलो ये सही है. इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म तो याद करो इंडस्ट्री से वो प्राइस लेता था और यहां पे ले जाता था, एम आर इज इक्वल टू सब होता था, ए आर इज इक्वल टू डिमांड कर्व एंड देन एम सी शुड कर्व एम आर फ्रॉम बिलो. तो आई थिंक यही सही है, आपका इंस्टीट्यूट ने भी यही आंसर सही दिया हुआ है. ऑल्दो यहाँ पे एम आर इज इक्वल टू एम सी होता है लेकिन एम आर इज इक्वल टू ए आर भी तो होता है. ठीक है नेक्स्ट, ये तो हो ही नहीं सकता, एम आर इज इक्वल टू एन सी एंड एम सी शुड हैव अ पॉजिटिव स्लोप. वैसे ये भी सही है देखा जाए तो, एम सी का पॉजिटिव स्लोप भी तो होता है. आई डोंट नो, मुझे सी और डी दोनों सही लग रहे हैं. ये बहुत ही अजीब क्वेश्चन है भाई, इसमें एग्जैक्ट कुछ कुछ मैंने देखो देखा 100 और 101 क्वेश्चन में कुल मिला करके तीन क्वेश्चन ऐसे आए हैं अभी तक. मैंने बोला है कि भैया याद ही कर लो तो सही है. कभी कभी क्या होता है कि समझ नहीं आता है क्या सही आंसर है और अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो उसमें रटना सबसे बेस्ट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ना हॉट्स बोल दो. एग्जाम के एक दिन पहले ऐसे क्वेश्चन को देख के जाना, खुद सोचो ना इसमें क्या होगा. हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है आप सही हो, अगर आप सही हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना, हम बाकी बच्चों को बता देंगे. ना नेचुरल मोनोपोली क्या होता है, देखो ना नेचुरल मोनोपोली का मतलब होता है एक ऐसी मोनोपोली जो अपने आप हो जाती है, एक अपने देखो एक होता है कि जबरदस्ती जबरी का मोनोपोली बना रहे हैं, एक होता है मोनोपोली अपने आप क्रिएट हो गई. तो मोनोपोली अपने आप क्रिएट कब होगी, वेन देर इज इनॉर्मस गुडविल इन्जॉयड बाय द फर्म. आई थिंक इनॉर्मल गुडविल, अच्छा देर इज स्ट्रिंजेंट लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, देर आर वेरियस लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. देखो ये सब तो हम लोगों ने किया, ये नेचुरली थोड़ी ना हुआ, आपने स्ट्रिंजेंट लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स लगाई. ठीक है तो ये तो बिल्कुल नहीं है. इनॉर्मस गुडविल एंजॉयड अगर आपकी है तो नेचुरल मोनोपोली अराइज हो सकती है, मुझे तो ये भी सही लग रहा है. अभी देखते हैं. फिर बोल रहा है देर आर लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आई थिंक दिस इज द मोस्ट करेक्ट आंसर. अगर ऑटोमेटिकली लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा यानी कि तुमको सबसे लोएस्ट कॉस्ट तभी होगा और तुम प्रॉफिट तभी कमा पाओगे जब तुम बल्क में बना रहे हो, वरना छोटे मोटे लोग जो है इधर से उधर निकल जाएंगे. तो कहने का मतलब है नेचुरल मोनोपोली अराइजेस अपने आप, यहाँ पे कोई भटकेगा भी नहीं अगल बगल, और यही सही है. नाउ 98, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के नॉट परसिस्ट अंडर द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म्स. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब नहीं हो सकता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बिल्कुल नहीं हो सकता. स्वीजी मॉडल, तो दोस्तों ये जो है आपको नोट्स से करना है, इसका आंसर भी मैंने टिक कर दिया है लेकिन ये जो है मैंने आपको नोट्स में बहुत अच्छे से बताया है. याद करो स्वीजी मॉडल पढ़ाया था हम लोगों ने, वो कहाँ पे था, ओलिगोपोली में था. कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली और मोनोपसनी को क्या कहते थे, बायलेटरल मोनोपोली. प्राइस वेरीज बाय एट्रीब्यूट्स सच एज लोकेशन, कस्टमर सेगमेंट. ये कौन सा होता है, ये थर्ड डिग्री होता है, कितनी बार बता दिया. तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने अपने 101, क्या बात है, शगुन भाई साहब, शगुन का एक बार में हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है और मुझे तो भाई आ गया मज़ा. मिलते हैं अपने दूसरे चैप्टर में.